हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह अभी 5:48। देखो कितना धूप है। धूप नहीं है, मतलब अंधेरा नहीं है, और आज फॉग है, दूर से दिख रहा होगा आपको। तो हमारी रूटीन शुरू। अभी मैं पूरा ये साफ करके रंगोली बनाना है, और वो मैं नॉर्मली कैसे बनाती हूँ आप भी देखिए मेरे साथ।
तो फ्रेंड्स रंगोली बन गया है। सुबह सुबह मतलब विलेजेस में मौसम बहुत अच्छा लगता है और देखिए मैंने रंगोली बना दिया है। मतलब मैं इतना परफेक्टली नहीं ही बनाती हूँ, जो मुझे आता है वही बना देती हूँ। मम्मी बहुत अच्छा बनाती है मेरे से भी, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए कैसी लगी आपको। और अभी हम लोग मैं किचन में गई हूँ क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, तो थोड़ा सा पैन ले लिया है, ऑयल डाल रही हूँ। और वो क्या हुआ, मतलब मेरे ससुराल से पास में ही है, मैंने आपको बताया था, और मेरे सासू माँ ने दूध भेजा था सुबह, वो मैं भूल गई थी दोपहर तक, मतलब वो ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने उसको फेंका नहीं। उससे मैंने जो फट गए थे दूध, उसी से मैंने पनीर बनाए थे, तो मैं अभी उसी का सब्जी बना रही हूँ। ये जो अभी मेरे पास है वो मैंने मेरे ससुराल से मतलब मेरे सासू माँ ने जो दूध भेजा है उससे पनीर बनाया था, और जो ऑलरेडी एक कटोरी में है वो तो मम्मी ने ऐसे ही बना दिया था। तो फिर देखिए वो कितना अच्छे से मैंने परफेक्टली बनाया है। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया था मैं एग्रीकल्चर किया है, तो हमको कॉलेज में मतलब डायरी भी है, डायरी प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, उसमें हमको सर ने सिखाया था। तो पनीर भी मैं परफेक्टली बना लेती हूँ। ये मतलब मम्मी ने बनाया अभी दूसरा वाला, वो इतना अच्छा सा पीसेस जैसा नहीं आया जो मैंने बनाया था। वो पीसेस देखो कितना एकदम शॉप में जो हम लोग पनीर लाते हैं वो उसकी जैसा है। जैसे आगरा में हमको फ्रेश पनीर दुकान में मिलता है ना दूध वाला, यहाँ पर ऐसा नॉर्मल नेचुरली बना हुआ पनीर नहीं मिलेगा, सब कुछ पैक्ड कोई ना कोई कंपनी की मिलेगी, लोकल दुकान से कहीं नहीं मिलती इसलिए। लेकिन मुझको वो पैकेट वाला ज़्यादा दिन का लगता है तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो मुझे जब खाना होता है मैं ऐसे कभी फट गए दूध का गलती से उसी से ऐसे अच्छे से फन पनीर बना के खा लेती हूँ। और आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ और चपाती बनाने वाली हूँ सुबह नाश्ता में। और ये पनीर सब्जी में पनीर, टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन और काउपी, उसको तेलुगु में बब्बरलू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना ध्यान नहीं है अभी, काउपी बोलते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए ये पाउडर जैसा हो गया ये पनीर, मतलब इसने इसको मम्मी ने बनाया था। कोई बात नहीं, टेस्टी तो एक ही जैसा लगेगा, दूध का ही तो बना है इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है। अभी ये फ्राई हो गए हैं, इसको अलग से रख देते हैं। सब कुछ निकालने के बाद थोड़ा सा राई, जीरा, और मैं इस सब्जी में सौंफ भी डालती हूँ, थोड़ा सा सौंफ, एक लाल मिर्च डालूँगी। इन्हीं से अब तड़का है, और इसमें थोड़ा सा दालचीनी और ब्लैक पेपर, वो दाने भी डालूँगी। लाल मिर्च भी डाल दिया है। अभी देखिए पहले मैं मिर्च का डालती हूँ क्योंकि मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाता है ना, फ्लेवर और उसका तीखापन मतलब मिर्च खाने के टाइम पे नहीं आता है। और अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दिया है। उसके बाद मैं टमाटर डाल रही हूँ, एक आलू को भी मैंने कट कर लिया है ताकि ग्रेवी जैसा बन जाए, मतलब आलू अच्छे से हो जाता है तो। और कड़े पत्ते भी डाल दिया है। उस पनीर को अगर हम लोग नमक वाली पानी में डाल देंगे तो वो नरम नरम रहेगा, लेकिन अभी ऑलरेडी वो मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया तो वो नरम ही है, तो मैं पानी में नहीं डाल रही हूँ,
वैसे तो मैंने सोचा था अगर कड़क हो जाएगी तो मैं पानी में डालूँगी। और टमाटर थोड़ा से गलने के बाद अभी हम लोग प्याज डाल रहे हैं। प्याज डालने के तुरंत ही, ऐसे मिलाने के तुरंत, मैं उसमें एक ही आलू का मैंने कट करके रखा था, वो एक ही आलू भी मैं डाल दूँगी। ये कॉफ़ी की सीड्स है, इनको मैंने सुबह, मतलब जब मैं 5 बजे उठी थी तब मैंने भिगो के रखे थे, और भिगो के रख दिया है, ये अच्छे से भीग गए हैं तो मैं डाल रही हूँ। मतलब इनको मैं गर्म पानी में भिगोया था इसलिए जल्दी अच्छे से फूल गए। इनको डाल के बहुत देर तक, मतलब अच्छे से धीमी आंच में इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। और आलू का भी मैं डाल दिया है। एक्चुअली ये गैस तो ऊपर रहती है ना डेली, लेकिन चपाती बनाना है ज़्यादा देर कड़े क्यों होना है, ऐसे करके मैंने नीचे रख दिया। और ये मैंने नमक डाल दिया है, मतलब मैं जो दाने दाने वाला नमक होता है ना ग्रेवी सब्ज़ी में, वही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि नेचुरल मिनरल्स जो होते हैं उसमें। और इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मैंने डाल दिया है, मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है। मतलब छोटी थी जब मैं 4th क्लास ऐसे स्टैंडर्ड में थी तब भी मुझे मतलब बनाने का हो गया था, ऐसे मतलब टाइम आया कि पक्का है अब बनाना है। घर पे कोई नहीं रहते थे, मतलब सब अपना अपना काम में बिजी रहते थे। मेरे पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया था, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मैंने आपको बताया था। तो तब से मतलब 4th क्लास में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन तब से ही मुझको सारा काम करने का आदत पड़ गया था, तो अब मुझको ऐसा कोई काम नहीं लगता, कठिन नहीं लगता कोई भी करती हूँ तो। सब काम करने का मुझको अच्छा लगता है, आदत सी हो गई है। एक्चुअली क्या है कि अभी मकर संक्रांति के लिए मैं मम्मी के घर पे आई हूँ बच्चों को लेके, तो जब मैं आती हूँ वो तो वैसे वो लोग भी अच्छे अच्छे बना के खाते हैं, लेकिन जब मैं आती हूँ तो मैं उनको थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन स्टाइल की बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ और मेरे को पसंद है कभी कभी खाना ऐसे पनीर की सब्ज़ी अलग अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनाती हूँ मैं। एक बार बनाया हुआ सब्ज़ी सेम नहीं बनाती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ अलग कर देती हूँ और वो टेस्टी भी लगता है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई रेसिपीज आपको साउथ इंडियन की रेसिपीज चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वो हिंदी में आपको अच्छे से दिखा दूँगी। एक्चुअली हम लोग डोसा इडली ज़्यादा बनाते हैं ना, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी व्लॉग में वो नहीं दिखाया। एक्चुअली हुआ एक है कि मैं आई थी तो मुझको मैंने देखा नहीं, मिक्सी को ऐसे ही जार को डाल दिया था, वो ख़राब हो गया इसलिए बना नहीं रहे। उसको ठीक करने के बाद बनाएंगे, या फिर मैं वो पीसने वाला है जो चटनी में पीसती हूँ उसमें ही मतलब मिक्सर को पीस के मैं डाल दूँगी। मैंने आटा को ऑलरेडी मतलब बना के रख दिया है मिला के, मैं उधर पुदीना और कोरिएंडर को दोनों को काट के रख रही हूँ, मिला के काट दिया है। अभी बस जिसमें मैंने सब्जी काटा था उसी को मैंने ढक्कन लगा दिया है। अभी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बेलन वगैरह वो सब कुछ मैं ले रही हूँ। सब कुछ अरेंज करने के बाद ये जो मतलब कढ़ाई है सब्जी की, इसको उधर वाली गैस में रख दूँगी, धीमी आंच में वो पकती रहेगी, और इधर में ये चपाती बनाऊंगी। आप भी कभी मतलब आप तो मटर के साथ मूंगफली की, मटर के टमाटर और पनीर बनाते होंगे ना, लेकिन ऐसे कॉफी के साथ एक बार ट्राई करके देखिए कितना मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये फ्लावर है अनास फ्लावर, वो बिरयानी में डालते हैं ना वो वाला फ्लावर है, मसाला वाला, वो मैंने फ्लेवर के लिए डाला है।
बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और ये बेसन है, मैं थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी में एक्चुअली टमाटर प्याज वगैरह मिक्सी में या पीस के डालते हैं। मैंने अभी तो बताया था आपको मिक्सी खराब कर दिया है मैंने, तो इसलिए उसकी जगह मैं बेसन को थोड़ा सा पानी में मिला के घोल करके सब्ज़ी में डालूँगी ताकि सब्ज़ी ग्रेवी जैसा बनेगी। देखते जाइए आप, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। मैं टेस्ट कर रही हूँ वो पका है कि नहीं। अभी मैं सभी डालूँगी। नमक थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्रिस्टल वाला ही है। और अभी मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, ये मसाला मिर्च पाउडर है। इसमें ऑलरेडी लहसुन, धनिया, जीरा, हल्दी सब कुछ है। और अभी थोड़ा सा पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अभी दालचीनी और फ्लावर जो है उसका दोनों का मिलाया हुआ पाउडर है ये। वो सब कुछ मैंने अच्छे से मसाला डाल दिया है क्योंकि ये पनीर की सब्ज़ी है, इसमें तो मसाला डलेगा ही। मसाला डालेंगे तभी टेस्ट आएगा थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटीज़ में मत डालो, डेली खाते हैं तो कम क्वांटिटीज़ में भी टेस्ट ही लगता है। और इसमें जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी डाल के इसको उधर वाले में रख देंगे। अभी इसके अंदर ये रखूँगी। अभी इसको तवा हम लोग डेली नहीं बनाते लेकिन धो के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार मैं गरम करके धो लेती हूँ ताकि उसमें अगर कुछ और है तो वो निकल जाए। अभी बस ये बनता रहेगा, सब्जी भी ढक्कन लगा के रख देंगे और इधर मैं चपाती बनाते रहूँगी। अभी सब्जी में और कुछ डालना नहीं है, बस वो अच्छे से पक जाए उसके बाद पनीर और धनिया पुदीना डालना है बस। तो चलिए अभी चपाती बनाते हैं। मेरे को मतलब मैं जब राजस्थान गई थी, आगरा में रहती थी, मतलब मेरा फ्रेंड कीर्ति और सोनू दी, प्रिया दी, इनके घर पे भी मैं रही हूँ कुछ दिन कुछ दिन, तो उन लोगों ने मुझको रोटी बनाना, आलू के पराठा बनाना ये सब सिखाया है। लेकिन आज मैं मतलब अपने घर पे, मतलब मैं छोटे से जैसे नॉर्मली चपाती बनाते हैं हम लोग, जो मेरे मम्मी ने मुझको सिखाया है वो बना रही हूँ मैं। आप लोग इसको पराठा जैसा बोलते हैं लेकिन हम लोग ना नॉर्मल अगर ब्रेकफास्ट का भी करते हैं तो ऐसे ही चपाती ऐसे ही बना के खाते हैं। ये पहला वाला है इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा डाल के उसके ऊपर डाल रही हूँ। इसको डॉग को या गाय को किसी को भी खिला दूँगी। ये भी आदत मेरे को वहीं पर हुआ था। अब जब भी मतलब वहाँ पे जब भी लोग रोटी पहली वाले बनाते हैं वो गाय के लिए रख देते हैं नॉर्थ इंडियंस, तो मेरे को वो विधि अच्छी लगी। तो मैं यहाँ आती हूँ तो तब भी कभी अगर चपाती बनाती हूँ, यहाँ पर गाय ज़्यादा नहीं मिलते तो मैं कम से कम गाय नहीं मिला तो कम से कम डॉग को तो खिला ही देती हूँ, किसी ना किसी को, मतलब किसी ना किसी पशु को या पक्षी को, किसी को भी। अभी ये बन गया है, अब बस चपातियाँ बनाना बाकी है। सब्जी देखते हैं कैसे बनी है। देखिए तेल भी ऊपर आ गया अलग से। चपाती डालने के लिए मैं ऐसे होल्स वाला बाउल लेती हूँ क्योंकि वो मतलब नीचे से हवा जाएगी तो पानी जैसा नहीं होगा।
मुझे तो लग रहा है मैं अच्छे से बना रही हूँ वीडियोस, और आपको मतलब जो मेरी लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम लोग कैसे रहते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है, कोई सजेशंस है, तो प्लीज़ आप मुझके कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं कुछ भी मतलब मेरे रिलेटेड या फिर साउथ इंडियन के रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अभी मतलब 6:30 ऐसा हो गया है, 7 होने तक मुझको ब्रेकफास्ट बना के रखना है। मम्मी पापा क्या है कि मैंने बताया था वो टोबैको प्रोसेसिंग में करते रहते हैं, तो रात मतलब सुबह 6 बजे से रात में 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पापा रहते हैं उधर ड्यूटी में। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 1 बजे तक दिन में मम्मी रहती है। फिर उसके बाद 1 बजे से शाम को 7 बजे तक पापा रहते हैं। फिर शाम को 7 बजे से रात 1 बजे तक मम्मी रहती है। ऐसे 24 आवर्स वो दोनों अपना शिफ्ट्स बना के वहाँ पर उस मतलब उसमें लकड़ियाँ डाल के उसको गर्म करते रहते हैं, और मतलब टोबैको का कलर अच्छे से हो जाता है। तो वो काम करना, उनको वहीं पर जाना है, मम्मी को पापा को भेजना है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। पहले मम्मी खा के वहाँ पर पापा के पास चले जाएंगे, पापा आएंगे। और ये जो मैंने बेसन की आटा लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के घोल करके सब्जी में डाल दिया है। अभी इसको थोड़ी देर ही पकाना है, अब सब्जी बन गया है। वैसे तो मम्मी की लायक मम्मी पापा के जितना ज़रूरत है उतना रोटियां भी बन गया है, और 2-3 बनाऊंगी बस, बाद में जिसको खाना है तब मैं उनको बना के खिलाऊंगी। आदत हो गया है मेरे को भी, कब रोटी खाने का बहुत मन करता है, तो मेरे को भी स्पीडली बनाना आ गया है। पहले तो हम लोग एक मतलब बेलते थे, एक तेल वगैरह डाल के बनाते थे, ऐसे होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो चलिए चपाती अभी बन गया है बाहर, मतलब मम्मी और मेरे बेटी सब लोग वेट कर रहे हैं। मतलब मेरे घर ऐसा है, किनारा है, मतलब खेत अगल बगल में सारे खेत है, 2-4-5 घर है, तो उनको अच्छा लगता है बाहर बैठ के खाने में, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है, तो घर जैसा ही लगता है। बाहर पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी बैठ के बातें हो जाते हैं ऐसे। अभी सब्जी को एक बार मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद ही किसी को दूंगी। अच्छा है, अगर इसमें नमक मिर्च कुछ भी कम ज़्यादा हो तो डाल सकते हैं। अभी ये सब्जी पूरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं पनीर डाल रही हूँ। पनीर डालने के बाद 3-4 मिनट रखूँगी बस, उसके बाद सब्जी को भी निकाल देंगे, बंद कर देंगे। उधर मेरा बेटी आई है, वो पूछ रही है मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, हो गया ब्रेकफास्ट रेडी ऐसे। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, सिम में रख दिया है, बंद नहीं किया है। अभी गैस बंद करके इसमें पुदीना और जो है वो भी डाल दिया है। और अब मैं रोटियां भी बंद कर दूंगी बनाना, बाद में बनाऊंगी जब मेरा भाई और मुझे सबको खाने हो। अब बस उनको खाना परोस के दे देती हूँ।
ताकि वो लोग अच्छे से जल्दी से खा के उधर जाए और पापा को भेजे, क्योंकि पापा अभी 7 बजे आएंगे, खा के सो जाएंगे, फिर हुआ वो 1 बजे उठ के मम्मी जाएंगे, फिर पापा आके सो जाएंगे, ऐसे अपना शिफ्ट से काम करते हैं। देखिए चलिए उनके पास चलते हैं, बताएंगे कैसे है। मैंने पूछा है मम्मी को कैसा है, तो बोल रहे गरम है ना, तो ऐसे ऐसे बोल रहे अच्छा है। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।